हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50-50 ग्रुप के बारे में, और 50-50 ग्रुप को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो भी देखेंगे। और ये अपडेट काफी इम्पोर्टेंट है अगर आप केपॉप इंडस्ट्री में अपना करियर देख रहे हैं। इस अपडेट की वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आज हम ये भी देखेंगे कि क्यों स्मॉल कंपनीज के अंदर आपको फोकस करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है। ये वेबसाइट है एमटीवी की। एमटीवी आप जानते हैं काफी पॉपुलर चैनल है, काफी पॉपुलर एक मीडिया इंडस्ट्री है, जो कि टॉप 10 सॉन्ग्स या फिर टॉप 10 केपॉप आर्टिस्ट इन सब के बारे में बताती रहती है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें टॉप केपॉप आर्टिस्ट के बारे में भी पता चलेगा। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बेस्ट केपॉप वोटिंग फॉर द कैटेगरी इट्स क्लोज, जिसके अंदर सबसे पहला जो नेम आता है विनर की लिस्ट में वो है स्टार किड्स का। उसके बाद नेम आता है एस्पा का, ये भी काफी पॉपुलर ग्रुप है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। नाउ थर्ड पे आता है ब्लैक पिंक का नेम। उसके बाद आप देख सकते हैं 50-50, और 50-50 का जो काफी पॉपुलर सॉन्ग रहा क्यूपिड। आप जानते हैं क्यूपिड कितना ज्यादा चला, और अगर आप रिसेंटली अगर हम देखें तो क्यूपिड के जो व्यूज 1.31 मिलियन के आसपास है। 6 मंथ में इतने ज्यादा व्यूज आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा नहीं कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज हैं, इससे भी अच्छे अच्छे व्यूज आए हैं। लेकिन एक न्यू कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसको कोई नहीं जानता, कोरिया में बिल्कुल नई स्टेब्लिश हुई है, और ये ग्रुप यानी 50-50 ग्रुप भी काफी नया था, और इसका क्यूपिड सॉन्ग इतना चल पाना ये कहीं ना कहीं कंपनी को दिखाता है, कंपनी का मैनेजमेंट दिखाता है, कंपनी किस तरह से अपने जो आर्टिस्ट है उनको ट्रेनिंग देती है। ये सब कुछ हमें इस वीडियो के अंदर, इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि गाइस, जिस भी एजेंसी ने 50-50 जैसे इतने पॉपुलर ग्रुप को बनाया है, हालांकि आपको बताना चाहूंगा ये ग्रुप इंडस्ट्री में आए सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, और 2 साल में बहुत अच्छी अचीवमेंट इस ग्रुप ने हासिल की है, और ये अचीवमेंट इस कंपनी की जो एजेंसी है उसको जाती है, बिकॉज एजेंसी ने ही इन ग्रुप को सिलेक्ट किया है, एजेंसी ने ही इनको ट्रेनिंग दी है, और जो ये सॉन्ग है इसकी कोरियोग्राफी है, सिनेमेटोग्राफी है, सब कुछ इस एजेंसी ने ही किया हुआ है। और आज हम इसी एजेंसी की बात करेंगे, इसका नाम है द अट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, द अट्रैक्ट फिलहाल इस कंपनी की अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आ रही, ये तो नहीं पता। अगर जैसी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको कंफर्म करूंगा। लेकिन इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 70,000 फॉलोवर हैं, 51 पोस्ट की हुई है, 4 फॉलोइंग्स हैं। 4 फॉलोइंग्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वही मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, वही ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे चलेंगे और इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं जो अट्रैक्ट है, फिर से न्यू गर्ल ग्रुप प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहा है। मैं किसी भी एक इमेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक किया है, यहाँ पर आप देखिए ये पोस्ट डली है 3 सितंबर को, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और आज है 15 सितंबर, तो आइडिया लगा सकते हैं 10 दिन पुरानी ही पोस्ट है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कमिंग सून का ऑप्शन, यानी कि फिर से एक न्यू गर्ल ग्रुप प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। और अगर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो सिंपल सी बात है ऑडिशंस होंगे, और ऑडिशंस होंगे तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हैं, आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये कंपनी काफी छोटी है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए जब अट्रैक्ट जैसी कंपनी, एक छोटी कंपनी ने इतना बड़ा ग्रुप बनाया है। और मैंने ये चीज आपको इसीलिए स्टार्टिंग में दिखाई थी कि एमटीवी के अंदर बेस्ट केपॉप जो ग्रुप है उसमें ये आया है, और ये आप देख सकते हैं क्यूपिड 50-50, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी एक छोटी कंपनी ने वो करके दिखाया है जो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पाती। तो हम इस बात को या इस अपडेट को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं ले सकते, बिकॉज ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये कंपनी फिर से एक नया ग्रुप बनाने जा रही है, और अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो आपके बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। इस एजेंसी ने पहले भी प्रूफ करके दिखाया है कि हमारे बनाए गए ग्रुप्स लाइक 50-50 बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो इस चीज के ऊपर गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नजर रखनी है। दूसरा, आपको नहीं पता चलता कि भाई कब वो आएगा, कब ऑडिशंस होंगे, कैसे देने हैं। अगर आपको ये चीज
चीजें नहीं समझ आती, नहीं पता चलता, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर आपको उस अपडेट के बारे में बता दिया जाएगा। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप अपना ऑडिशन दे पाए। अब यहाँ पर आपको पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करके चलनी है। अब सिंपल सी बात है, ये अपना जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेंगे तो फोटोग्राफ्स तो वो लोग मांगेंगे, और अगर आपके पास फोटोग्राफ्स नहीं है तो आप अपने क्लिक कर लीजिए, अच्छे से अच्छे फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ आप बना के रख लीजिए, क्योंकि वीडियो भी आपका 1 मिनट या 2 मिनट का होगा, तो आप अपनी वीडियोज़ भी बना के रख लीजिए। जैसे ही फॉर्म आएगा हम फिल करेंगे, और आप अभी से अगर वीडियोस बनाएंगे तो आपकी अच्छी वीडियोस भी बन पाएंगी। तो कहने का मतलब यही है गाइस, इस वाली अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं करने वाले। जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी पूरा प्रॉपर वे में तैयार रहना है। बाकी गाइस, जिन लोगों को ये लगता है कि यार स्मॉल कंपनीज में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें YG, SM, JYP, हाईबी लेवल्स के अंदर ही जाना चाहिए, इन छोटी कंपनीज में जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, या आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप कंपनीज में जाने से सिर्फ करियर का लॉस ही है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा स्मॉल कंपनी और बिग कंपनीज के बिटवीन में। जो स्मॉलर कंपनीज हैं वो ज़्यादातर आपको एक्सेप्ट करेंगी। इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है, जितनी भी बिग कंपनीज हैं लाइक SM, YG इंटरटेनमेंट, JYP इंटरटेनमेंट, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑडिशंस एप्लीकेशंस पर ईयर्स आते हैं, और इन थाउजेंड एप्लीकेशंस के अंदर आपका सिलेक्ट हो पाना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बट इसी में स्मॉल कंपनीज की बात करें, यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं चलता कब इन स्मॉल कंपनीज के ऑडिशंस निकल गए, कब सिलेक्ट हो गए लोग, कब ग्रुप बन गया, कब सॉन्ग रिलीज हो गया, कब ये डेब्यू करने लगे, बहुत कम ही पता चल पाता है। और अगर आप इन स्मॉल कैप कंपनीज में जाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांस काफी होंगे, बिकॉज एप्लीकेशंस बहुत कम होती हैं। जब एप्लीकेशंस कम होंगी तो कंपटीशन लेवल बहुत कम हो जाता है और आपके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप कंपनीज ने बड़ा अचीव नहीं किया है, उनके ग्रुप मेंबर्स ने, चाहे 50-50 की बात करें या एक्शन की बात करें या फिर DR म्यूजिक का जो ग्रुप है उसकी बात करें, सबने काफी अच्छा किया है अपने लेवल के ऊपर। दूसरा पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगता है स्मॉल कंपनीज में, ये आपको काफी ज्यादा अटेंशन देती हैं, बिकॉज जो बिग कंपनीज होती हैं इनके अंदर आपको बहुत सारे ट्रेनिंग्स देखने को मिलेंगी, और इन ट्रेनिंग्स के बिटवीन में आपको अटेंशन दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात करें स्मॉल कंपनीज की, यहां पर ये चीज नोटिस की गई है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इंटरेक्ट करते हो ट्रेनर से, एजेंसी के ओनर के साथ भी आपकी मीटिंग कंटिन्यूस होती रहती है, क्योंकि स्मॉल कंपनी है, इनके पास इतना काम होता नहीं है, तो इनके पास जो काम है उसको डेडिकेशन के साथ करते हैं, और इनका भी फर्स्ट काम यही रहेगा कि आपके ग्रुप को काफी पॉपुलर बनाना। वहीं बिग कंपनीज की बात करें तो इनके मैनेजर, इनके ट्रेनर्स या इनके ओनर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग तरह के, जिसकी वजह से ये आप पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। स्मॉलर कंपनीज काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, बिकॉज जो बिग कंपनीज होती हैं इनमें बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, आपको एक स्ट्रिक डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना होता है, आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप आउटसाइड एक्टिविटी भी कर पाए। लेकिन स्मॉल कंपनीज काफी फ्लेक्सिबल होती हैं, आपने देखा भी होगा स्मॉल कंपनीज के जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं वो काफी फ्री रहते हैं रेदर देन हम बिग कंपनीज के ग्रुप मेंबर्स की बात करें। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं यहां पर आपका राइज होने का जो चांस है, यानी आपका ग्रो होने का चांस है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बिग कंपनी मोस्टली काफी सेफ प्ले करती हैं, बट स्मॉल कंपनीज को सेफ प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। बिग कंपनीज हमेशा ये देखती हैं कि किस तरह का सॉन्ग रिलीज किया जाए, चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए काफी टाइम लग जाता है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो सिर्फ रिलीज करना जानती हैं, और अगर आपके सॉन्ग्स इसी तरह से स्मॉल कैप कंपनीज द्वारा रिलीज करते रहे तो कहीं ना कहीं कोई सॉन्ग आपका इतना वायरल होगा, बिकॉज वो यूनिक होगा, नया होगा,
होगा, जिसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। ऐसा ही 50-50 के साथ हुआ, एक्शन ग्रुप के साथ हुआ, ब्लैक सावन के साथ हुआ, और भी बहुत सारे जो स्मॉल कंपनीज हैं उनके साथ भी ऐसा ही हमें देखने को मिला। वैसे तो गाइज मैं आपको इस वीडियो के अंदर और भी अलग अलग तरह की एडवांटेज आपको बता सकता हूँ स्मॉल कैप कंपनीज और बिग कंपनीज के बिटवीन में, लेकिन जो मेजर फोकस है हमारा यही रहना चाहिए कि कैसे स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ऑडिशन दें और किसी भी कंपनी में ऑडिशन देने से कैसे बचें। बिकॉज जितना स्मॉल कैप कंपनीज आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं उतना ही ये रिस्की भी होती हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि भाई किस कंपनी में हम ऑडिशन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस तरह का उनका प्रोसेस है। बाकी बात करें अट्रैक्ट की, तो गाइस अट्रैक्ट तो काफी पॉपुलर कंपनी हो गई है, वैसे तो स्मॉल नहीं है लेकिन आज भी इसको स्मॉल में ही काउंट किया जाता है। बहुत कम लोग ऑडिशन फॉर्म फिल करते हैं लेकिन आपके लिए ये गोल्डन चांस है और ये चीज मैंने आपको इधर दिखाई भी है। बाकी आप खुद से भी अपडेट रह सकते हैं, आप इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, द अट्रैक्ट नाम का इनका इंस्टाग्राम पेज है। आप जैसी कोई पोस्ट आती है या कुछ भी नया आता है तो आप इधर से अपडेट ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। वहीं गाइज आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।